ये मेरे पास यहाँ एक i7 प्रोसेसर रखा हुआ है। अब मैं आपको बता दूँ, इंटेल और AMD के जो मदरबोर्ड होते हैं ना, उन दोनों के सॉकेट्स पूरे अलग होते हैं। सो 240 मीन्स 120 के दो फैन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और अगर 360 होता तो 120 के तीन फैन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को शूट करते टाइम मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को मिस किया है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर देता हूं। और मैं आपको लिक्विड कूलर और नॉर्मल सीपीयू फैन कूलर, जिसे हम एयर कूलर भी कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। दोस्तों, लिक्विड कूलर नॉर्मल एयर कूलर से काफ़ी अलग होता है। लिक्विड कूलर में लिक्विड यूज़ होता है कंप्यूटर प्रोसेसर को कूल रखने के लिए। लिक्विड कूलर में फ़ैन होते हैं जो रेडिएटर पर लगे हुए होते हैं, जिनसे लिक्विड सील्ड पाइप कनेक्टेड होते हैं, जो काफ़ी बेटर तरीके से कंप्यूटर प्रोसेसर को ठंडा रखते हैं। एयर कूलर में ऐसा कुछ नहीं होता है। एयर कूलर में प्लास्टिक की ब्लेड्स होती हैं जो एयर सर्कुलेशन जनरेट करती हैं। एयर कूलर को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपकी घर की छत पर टंगा हुआ पंखा, और लिक्विड कूलर को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कार इंजन के पास लगा हुआ फ़ैन जो रेडिएटर पर फिट होता है, और कार की सर्विस के टाइम डलने वाला कूलेंट लिक्विड। दोस्तों, जितने भी हाई एंड टास्क होते हैं, जैसे कि हाई एंड गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो क्रिएशन, हाई एंड मल्टीटास्किंग, जैसे कि प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर का यूज़ करना, ऐसे सभी टास्क के लिए हम हाई एंड कंप्यूटर परचेस करना पड़ता है, और इन कंप्यूटर्स में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी ही यूज़ होती है। दोस्तों, एयर कूलर 200 से 500 रुपए में मार्केट में इजीली मिल जाता है, लेकिन लिक्विड कूलर को परचेस करने के लिए हमें कम से कम 4000 रुपए खर्च करना पड़ते हैं। लिक्विड कूलर की कूलिंग कैपेसिटी एयर कूलर की कूलिंग कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट और भी बता देता हूँ। यदि आपके कंप्यूटर में कोर i5 प्रोसेसर लगा हुआ है और नॉर्मल एयर कूलर के साथ लगा हुआ है, तब भी आपका कंप्यूटर अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि नॉर्मल गेमिंग, डेटा एंट्री वर्क, मूवीज़ देखना एंड म्यूज़िक प्ले करना, इन सब टास्क में प्रोसेसर हीट नहीं होता है। या फिर इसे आप ऐसे कहें कि कोर i5 प्रोसेसर तक आप फिर भी एयर कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोर i5 पर हाई एंड गेमिंग करना चाहते हैं, तो फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लिक्विड कूलर की तरफ ही जाएँ। दोस्तों, ये वो इन्फॉर्मेशंस थी जो वीडियो शूट करते वक्त मैंने मिस कर दी थी, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो हम अनबॉक्स करेंगे डीप कूल का गैमेक्स L240V2, जो कि एक लिक्विड कूलर है विथ RGB फैन। ये जो प्रोडक्ट है, ये एंटी लीक टेक्निक के साथ लॉन्च किया है डीप कूल ने, कि इसमें किसी भी प्रकार की लिक्विड की लीकिंग नहीं होगी, जिस कारण से जो कई बार देखा होगा कि लीकिंग की वजह से ग्राफिक कार्ड्स वगैरह शहीद हो जाती हैं। और ये जो प्रोडक्ट है, ये RGB फैन के साथ है। इसमें नॉन RGB वर्जन भी आता है और ARGB वर्जन भी आता है। अब ज़्यादा कंफ्यूज मत होना दोस्तों, RGB, नॉन RGB, ARGB, तीनों चीज़ों को अगर अपन एक साथ लें तो तीनों चीज़ों का कोई लिक्विड कूलर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लिक्विड कूलर नॉन RGB भी वैसे ही काम करेगा जैसा RGB करता है, और RGB के बाद में जो ARGB होता है वो भी वैसा ही काम करेगा। तो ये सिर्फ लाइटनिंग होती है, ARGB, RGB लाइटनिंग के अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो ये नाम से आप कंफ्यूज मत होना, मेनली आपको एक लिक्विड कूलर की रिक्वायरमेंट पड़ती है यदि आप कोर i7 या i5 जनरेशन के अंदर, या AMD राइजन में राइजन 5, राइजन 7 या राइजन 9 इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो अगर हाई एंड गेमिंग प्रोसेसर अगर आप लेते हैं, तो आपको नॉर्मल स्टॉक कूलर से काम नहीं चलेगा, आपको एक कूलर, लिक्विड कूलर लेना ही पड़ेगा। और यहाँ तक तो इंटेल ने तो अभी ऑफिशियली भी ये चीज़ अनाउंस कर दी थी कि जो कोर i7 11th जनरेशन प्रोसेसर है, उसके साथ लिक्विड कूलर ही लगाना पड़ेगा। स्टॉक कूलर इंटेल कंपनी प्रोवाइड ही नहीं कर रही है। बाय डिफ़ॉल्ट पहले जो जैसे कि बहुत सारे प्रोसेसर्स आते थे, ड्यूल कोर, कोर टू डियो, और इसके बाद i3 प्रोसेसर भी अगर आप लेटेस्ट जनरेशन उठाकर देखेंगे, तो उसमें आपको एक फ़ैन मिलेगा जो कि इंटेल कंपनी की तरफ से आता है। पर अगर आप i7 प्रोसेसर्स के अंदर जाएंगे, जो कि काफ़ी हाई एंड प्रोसेसर हो जाता है, ये मेरे पास यहाँ एक i7 प्रोसेसर रखा हुआ है, तो ये प्रोसेसर के साथ में कोई स्टॉक कूलर कंपनी ने नहीं दिया है। इंटेल कंपनी ने साफ बोला है कि इस प्रोसेसर के साथ लिक्विड कूलर को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी हीट होते हैं। 125 वॉट का यह प्रोसेसर है और बहुत हाई एंड एक्सट्रीम एडिटिंग और गेमिंग वगैरह के लिए यूज़ में आए जाते हैं। ओके, तो हम इसको अनबॉक्स करेंगे अब। इन शॉर्ट, जो लोग लिक्विड कूलर नहीं समझते हैं, एक छोटी सी लाइन से लिक्विड कूलर को समझ लें कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्रोसेसर को कूल रखने में मदद करता है।
पहले नॉर्मली स्टॉक कूलर की वजह मदद से ही प्रोसेसर अच्छा खासा कूल हो जाता था, लेकिन आजकल के प्रोसेसर इतने ज़्यादा टफ हैं और हाई एंड है कि उनको कूल रखने के लिए आपको दूसरी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, नॉर्मल फ़ैन काम नहीं देते हैं। ये इसकी पैकिंग की सारी एसेसरीज़ हैं जो कि इंटेल और AMD, यहाँ पर स्टिकर चिट लगी हुई है, मतलब अंदर इंटेल और AMD दोनों के मदरबोर्ड को सपोर्ट करने के लिए प्लेट्स वगैरह अवेलेबल हैं। मैं आपको बता दूं, इंटेल और AMD के जो मदरबोर्ड होते हैं ना, उन दोनों के सॉकेट्स पूरे अलग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंटेल का कोई भी एसेसरी आप AMD में लगा लेंगे और AMD की कोई भी एसेसरी आप इंटेल में लगा लेंगे, दोनों की एसेसरी बिल्कुल अलग होती है। इसलिए इन्होंने यहाँ दो थैलियाँ दी हैं। और ये रेडिएटर है, रेडिएटर से ये दो पाइप कनेक्टेड हैं जिसमें लिक्विड फ्लो होता है। और ये इसका देखिए कुछ इस तरीके का ये दिखता है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है ये। और जैसा कि मैंने बताया, डीप कूल एक न्यू कंपनी है जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, बट कोशिश कर रही है अच्छा परफॉर्म करने की, तो इसलिए प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना बहुत बेहतरीन दे रही है। यहाँ भी RGB लाइट वगैरह जलेगी गोल्ड राउंड में, तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है ये। और इसके अंदर दो फ़ैन आए 120mm के, ये 240mm है एक्चुअली, यहाँ लिखा होता है मॉडल नंबर के हिसाब से 240, सो 240 मीन्स 120 के दो फैन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और अगर 360 होता तो 120 के तीन फ़ैन यहाँ पर देखने को मिलते। तो इस प्रोडक्ट को सबसे पहले अपन, इसमें ये इंस्ट्रक्शन है और ये कुछ केबल्स वगैरह दी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी डीप कूल ने ये लिक्विड कूलर निकाला है। इसमें बहुत से वर्जन्स आते हैं, 360mm का और अच्छा आता है, मतलब सिर्फ ये एक प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स डीप कूल ने निकाले हुए हैं। ये भी RGB फैंस हैं, इसमें भी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट्स डिस्को डांस करेंगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो लिक्विड कूलर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर देना।